क्या नहीं करवाया वो उनको जवाब देना है, उसका जवाब मैंने नहीं देना और जनता ने उनसे जवाब लेना है। बट अब मैं इस वार्ड की काउंसलर हूँ, एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेरा जो काम है वो मुझे करना है। तो मुझे यही है जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, इन सबको देखना है। पर इससे हटके भी मुझे कुछ कार्य करने हैं क्योंकि हमें अपनी तरह, जैसे कहते हैं कुएं के मेंढक बन के नहीं रहना, उससे बाहर निकलना है। तो कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो दिखाने हैं कि ये हम कर सकते हैं। और क्या वार्ड नंबर एक को ही स्मार्ट किया जाएगा, बाकी दो वार्ड? देखिए अभी तो मुझे वार्ड नंबर वन के लोगों ने चुन के एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरी वहाँ तक हद है, जहाँ मेरी हद है वहाँ तक तो मुझे अपना बेस्ट देना है। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे करना है। मुझे दूसरों की हद में भी नहीं घुसना है क्योंकि मुझे अपना अपनी हद में रह के अपना शो करना है बेस्ट, कि मैं कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं बोलूँगी वीआईपी रोड बिल्कुल 15 सालों से बुरी हालत में थी, पर जब से मैं रिप्रेजेंटेटिव बनी हूँ तो मुझे इसको भी देखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूँ स्वप्निल पचियाला। मेरे पीछे का दृश्य आप एक बार देख लें कि आखिरकार मैं इस वक्त किस जगह खड़ा हूँ, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उधमपुर में ये पहली ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह का कार्य हो रहा है। ये शेड आप देख सकते हैं, मेन एंट्रेंस जो बनाया गया है, काफ़ी एक सुंदर, क्योंकि जिस तरह से बाहरी राज्यों की अगर हम बात करें, फॉरेंस की बात करें, अमेरिका, इस तरह वहाँ पर इस तरह के आपको जो डिज़ाइंस नज़र आएंगे, पर अब उधमपुर में भी जब आप आते हो इसी तरह के दृश्य आपको नज़र आएंगे। जिस तरह से लगातार लोगों का सपना था, हमारे उधमपुर के लोगों का सपना रहता है कि हमारे उधमपुर को भी एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए, स्मार्ट उधमपुर को किया जाए, पर वो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो सपना है वो पूरा होते नज़र आ रहा है। वहीं आपको बताता चलूं, वार्ड नंबर एक की पार्षद प्रीति खजूरिया ने इसी तरह का निर्णय लिया है कार्य करने का। ये आप रोड देख सकते हैं, इस रोड का नाम जो है वीआईपी रोड रखा गया है, क्योंकि ये जो रोड है यहाँ से जो वीआईपी लोग हैं वही यहाँ से गुजरते हैं। पर लगभग 15 साल से, जी हाँ लगभग 15 साल से इस रोड को उखाड़ दिया गया था। इस रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जो काम एमपीज एमएलएज का था वो काम प्रीति खजूरिया ने कर दिखाया है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा थोड़ा आगे आए, कैमरा पैन करे, दिखाए रोड की हालत की अब पहले क्या था और अब क्या है। पूरी तरह से इस रोड पर लुक डाली जा रही है। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर कल ही लुक डाल दी गई थी। अब अगर मैं आगे की बात करूँ तो आगे भी हम आपको विजुअल दिखाएंगे कि किस तरह से कार्य चल रहा है। आप यही ना समझिए कि इसी जगह में जो है ये एंट्रेंस लगाया गया है, यानी कि वार्ड नंबर एक में जितने भी लेन्स हैं, गलियां हैं, हर गली के बाहर हर चौकों में आपको इसी तरह के मेन एंट्रेंस नज़र आएंगे। यानी कि अब लोगों का जो सपना है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होते नज़र आ रहा है। एक काफ़ी अच्छा निर्णय जो है प्रीति खजूरिया वार्ड नंबर एक की पार्षद ने जो कि लिया है, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जी मैम, पहले तो स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सोफी। मैम क्या कहना चाहेंगे, जो विज़न है आपके माइंड का कि मेन एंट्रेंसेस बनाई गई हैं, रोड का काम जल्द, मतलब जो वीआईपी रोड जो थी इसका ना ही एमएलए ने करवाया ना ही एमपीज ने करवाया, वही काम आज आप करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह का आपको आज स्टेप उठाना पड़ा है? पीछे किसी ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया वो उनको जवाब देना है, उसका जवाब मैंने नहीं देना और जनता ने उनसे जवाब लेना है। बट अब मैं इस वार्ड की काउंसलर हूँ, एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेरा जो काम है वो मुझे करना है। तो मुझे यही है जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, इन सबको देखना है। पर इससे हटके भी मुझे कुछ कार्य करने हैं क्योंकि हमें अपनी तरह, जैसे कहते हैं कुएं के मेंढक बन के नहीं रहना, उससे बाहर निकलना है। तो कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो दिखाने हैं कि ये हम कर सकते हैं। और क्या वार्ड नंबर एक को ही स्मार्ट किया जाएगा, बाकी अभी तो मुझे वार्ड नंबर वन के लोगों ने चुन के एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरी वहाँ तक हद है, जहाँ मेरी हद है वहाँ तक तो मुझे अपना बेस्ट देना है। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे करना है। मुझे दूसरों की हद में भी नहीं घुसना है क्योंकि मुझे अपना अपनी हद में रह के अपना शो करना है बेस्ट, कि मैं कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं बोलूँगी वीआईपी रोड बिल्कुल 15 सालों से बुरी हालत में थी,
पर जब से मैं रिप्रेजेंटेटिव बनी हूँ तो मुझे इसको भी देखना है। कहने को तो ये वीआईपी रोड थी, वीआईपी मूवमेंट होती है, उनके लिए बनी है, पर मेरा ये मानना है कि वीआईपी जो वंस इन अ वाइल कभी कभी आते हैं वो वीआईपी नहीं है, जो इस एरिया में रहते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं वो भी वीआईपी हैं, क्योंकि हमें उनकी हेल्थ देखनी है। वो लोग चलते हैं, साथ में स्टेडियम है, स्टेडियम में हमारे शहर के लोग आते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं, तो सड़क नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई हादसा भी हो सकता है, फिर ट्रैफिक भी चल रही है, तो इन सब चीज़ों को देख के हमें ये कार्य करने हैं। तो आगे किस तरह का अभी आपने सोचा है, विजन रखा है अपने माइंड में कि क्या क्या आप वार्ड नंबर एक में होने लगा है, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोगों को एक उनके ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं वो आप पूरा कर रहे हैं, अब आगे किस तरह कार्य अब आप वार्ड नंबर एक के लिए करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एंट्रेंस गेट जो मेरे वार्ड में मेन एंट्रेंसेज हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर लगवा रही हूँ, और ये MS स्टील और टेंसाइल शीट से बन रहे हैं। इसका सारा जो हमने काम करवाया है ये चंडीगढ़ से हो रहा है, चंडीगढ़ से टीम आ रही है, वो करेगी। हम लोग जब बाहर जाते हैं, कोई भी, मैं ये कहती हूँ बाहर जाते हैं तो बाहर जाके घूम के आना बहुत आसान है, पर कुछ लेके आना अपने शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम जब जाते हैं तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाएं, क्योंकि ये शहर हमारा है, किसी और का नहीं है, तो शहर के बारे में कौन सोचेगा, हम लोग सोचेंगे। तो जब हम सोचेंगे कुछ अच्छा करेंगे, इसके साथ साथ मुझे लोगों का भी सहयोग चाहिए कि हम कुछ एक कदम बढ़ा रहे हैं, एक कदम आप बढ़ाइए, हम मिलजुल के इस शहर को बहुत अच्छा बनाते हैं, ताकि लोग ये कहें नहीं यार उधमपुर एक अलग से शहर है, एक अलग से बहुत खूबसूरत शहर, हमें वहाँ जाना है घूमने के लिए, ऐसा होना चाहिए। यानी कि अभी आप लोगों को उत्साह रहे हैं कि आखिरकार अब क्या होने वाला है हमारे उधमपुर में? बिल्कुल, कुछ और भी चेंज करेंगे हम एंट्रेंस पे करेंगे, उसके साथ साथ हर घर की नेम प्लेट भी लगेगी। अब ये गेट का तो 50% काम हुआ है, तो अभी जो अभी आप कह रहे 50% हुआ है, अभी तो सुंदर ही लग रहा है, अब आखिरकार कितना और सुंदर करेंगे इसको? इसको बिल्कुल सुंदर करेंगे, इस पे हमने कैमरे की प्रोविजन रखे हैं, लाइट्स हैं, कुछ और भी जो कुछ अब कुछ सरप्राइज भी रखते हैं। एक सवाल करना चाहूँगा, लोगों की डिमांड्स रहती है, क्योंकि चोरी की वारदात लगातार उधमपुर शहर में क्या अलग अलग जिलों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मास्क पहने, मास्क का फायदा उठाकर चोर जो है चोरी को वारदात देते हैं, क्या कैमराज की अगर मैं बात करूँ, सीसीटीवी कैमरा, क्या आप भी कोई इस तरह की आवाज़ उठाएंगे कि आपके अपने वार्ड नंबर एक में हर जगह चौक चौराहों पर कैमरे जो होंगे? बिल्कुल, कैमराज होने चाहिए, क्योंकि हमारे शहर की सिक्योरिटी भी है, बट मैं गेट्स पे भी कैमरेज लगवा रही हूँ, दो दो कैमरेज लगेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमें, क्योंकि कैमराज आपको पता है जब लगते हैं तो वाईफाई का कनेक्शन भी चाहिए होता है, ऐसा तो नहीं है कि कैमरा लगा दिए लोगों को दिखाने के लिए, तो वो प्रॉपर एक सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम सेटअप करेंगे, फिर लगेंगे, ज़रूर करेंगे, कुछ एक कदम काम के लिए हमने अब बढ़ाया है तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, काम करते जाएंगे। अश्वनी जी भी मेरे साथ है, कांग्रेस लीडर। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्रीति खजूरी जी लगातार अपने वार्ड नंबर एक को एक स्मार्ट सिटी बना रही है, कितना एक आप भी सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, और कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि यहाँ की जो जनता है वार्ड नंबर एक की, किस तरह से लोगों मैडम को सपोर्ट करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि आपको, मैं भी यहाँ पिछला जब 2015 में इलेक्शन हुई थी तो हम काउंसलर चुन के आए थे यहाँ पे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैडम भी जीत के आई। आपको पता है कि एक बार जीतना आसान होता है और दूसरी बार जीतना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, काम किया होगा तभी लोग जो है जिताते हैं। और जब अब आपको पता है वार्ड नंबर एक इज़ द बिगेस्ट वार्ड इन उधमपुर, बाय एरिया, बाय पॉपुलेशन, हर लिहाज से जो है सबसे बड़ा वार्ड है, और जब जितना बड़ा वार्ड होगा उतनी ज़्यादा परेशानी जो है काम करने में आती है। फंड्स भी आपको पता है म्यूनसिपलिटी में बड़े लिमिटेड फंड्स हैं, म्यूनसिपलिटीज़ को, कॉरपोरेटर्स को या काउंसलर्स को सरकार ने इतना ज़्यादा एम्पावर नहीं किया जिस तरीके से BDCs के लोगों को किया, BDCs के सरपंचों को किया या पंचों को किया या और BDC चेयरमैन्स को किया, फाइनेंशियल पावर जो उनको दी थी वो इनको नहीं मिली। बावजूद इसके जो हम बेस्ट एफर्ट्स लगा सकते हैं, प्रीति जो है मॉर्निंग में सुबह घर का भी काम ख़त्म करती है, सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से पहले पहले घर का हमारा पूरा काम ख़त्म, क्योंकि जिम्मेवारी दोनों है, समाज के प्रति भी जिम्मेवारी है और घर के प्रति भी जिम्मेवारी है, जो हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखना है, तो सारी चीज़ों को बेस्ट करते हुए हम बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि वार्ड नंबर एक रिमेन्स वार्ड नंबर वन, वो वार्ड नंबर वन ही रहना चाहिए, डेवलपमेंट के मसले में, ब्यूटिफिकेशन के मसले में, जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं टेंसाइल के जो हम गेट्स बना रहे हैं, ये गेट्स बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं। इस पे अभी मैडम ने आपको नहीं बताया लेकिन इस पे लाइट्स लगेंगी, इस पे हम कुछ गार्डन का भी प्रोविज़न बना रहे हैं जो स्टैंडिंग गार्डन के साथ होंगे, तो शहर में जब कोई मतलब आएगा उसको एक लगेगा कि नहीं यार ये एक डिफरेंट जगह सी लग रही है हमें, और क्यों भी ना करें, क्योंकि ये एक स्टेडियम जो है जिसमें पूरा शहर हमारा यहाँ आता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको अच्छा बनाएंगे तो शहर वो हमें ही तारीफ़ मिलेगी, पूरे शहर में हम लोगों की तारीफ़ होगी, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम और ज़्यादा काम। सवाल करूँगा,
जब कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं टिप्पणियाँ ज़रूर होती है, आप ही के लोग होंगे, आप ही के यहाँ की जनता होगी वार्ड नंबर 1 की, जो टिप्पणियाँ करती नज़र आती है कि जो ये काम है गलत हो रहा है, अगर आपने एंट्रेंस लगा दिए क्यों लगा दिए, कल को सड़क का काम होगा ये उखाड़ दिए जाएंगे, पैसा बर्बाद हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को आप? देखिए ये जो सिस्टम हमने लगाया है ये सारा मूवेबल है, ये स्क्रूज पे है, नट्स पे है, तो क्रिटिसिज्म आपको पता है नुक्ताचीनी तो हर काम में होती है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को हमने पिछले दिनों देखा कि पंजाब में टोल प्लाजा पे प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगाया हुआ है, उसको गले में जूतों के हार पहनाए हुए हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकराज है, लोगों का जो दिल करता है ये, तभी तो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, आज़ादी किसको कहते हैं, इसी तरह की अगर बोलने का अधिकार सबको है, बोलने का अधिकार मानते हैं सर, अधिकार सभी को है, क्या इसी तरह से अगर लोग टिप्पणियां करेंगे तो काम आप भी करते हैं? ये हमारा मानना है कि हम लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि क्रिटिसिज्म हो, हेल्दी हो, अच्छा हो, बुरे को बुरा बोला जाए लेकिन अच्छे को अच्छा भी कहा जाए। लेकिन आपके लिए भी मुश्किल होती है क्योंकि जब लोग टिप्पणियां करते हैं, आप जब सुबह से लेकर रात तक अपनी सड़क का काम करवा रहे हैं, चाहे कोई भी अपना वार्ड का काम करवाते हैं, तो मुश्किलें आती हैं। देखिए टिप्पणियों से अगर डरना हो तो फिर काम नहीं होते, टिप्पणियाँ लोग करते रहते हैं, हमने एक ही रखा है फोकस कि काम का फोकस रखा है उस पर। अब आज ये सड़क बन रही है, हम 6:30 बजे से दोनों यहाँ पे हैं, हमने डिपार्टमेंट को भी बोला हुआ है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको आपको शायद ये पता नहीं है, 38 लाख की लागत से ये सड़क बन रही है, ये 38 लाख रुपये इस पर लगेगा और ये 75 mm की ब्लैक टॉपिंग हो रही है, 75 mm जो शायद मेन सड़कों पर भी नहीं होती, आप जाके कहीं भी इसका जो मेजरमेंट वो लेके आप नाप कर सकते हैं इसको, और हो भी रहा है। तो क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, हम ये नहीं कहेंगे, वो बेहतरीन काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। देखो रामैन भी जो है रास्ते चलते भी लोग ये कह रहे हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहा है, डिपार्टमेंट भी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन उस सब के पीछे हम लोगों ने उनको फोर्स किया कि भैया आप आइए देखिए आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है। तो ये थे अश्वनी खजूरिया जी। आपको मैं ये बताता चलूं, ये रोड आप देख रहे हैं VIP मार्ग है, ये लगभग 15 सालों से इस मार्ग की हालत बद से बदतर थी और अब जो है प्रीति खजूरिया जो कि वार्ड नंबर 1 की पार्षद है उनके द्वारा इस रोड की मरम्मत करवाई गई है। आप देख सकते हैं लुक जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इस मार्ग को तैयार किया जा रहा है, एंट्रेंसेस बनाई जा रही है, लगातार हर चौक चौराहों में जो बड़े बड़े इनके जो चौक हैं वहाँ पर एंट्रेंसेस लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये भी अब सामने आ रहा है कि जल्द ही अब इन एंट्रेंसेस में CCTV कैमरास लगेंगे, गार्डन मतलब जो स्टैंडिंग गार्डन्स हैं वो लगेंगे, काफ़ी अच्छे से इस वार्ड नंबर 1 को स्मार्ट किया जाएगा। तो इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।